आप लोगों ने लव स्टोरीज तो बहुत देखी होगी, लेकिन ऐसी लव स्टोरी नहीं देखी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेडॉक्स प्रोडक्शन की आने वाली नई मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की। काफ़ी लंबा नाम है ना। खैर, इस मूवी का डायरेक्ट करा है अमित जोशी ने। इस मूवी का ट्रेलर अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, और इस मूवी के ट्रेलर में क्या है वो जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी ज़रूर करना। वेल, इस मूवी में आप देखोगे शाहिद कपूर और कीर्ति सैनन की जोड़ी को पहली बार ऑन स्क्रीन आप लोगों को एंटरटेन करते हुए। इस जोड़ी को देख के ऐसा लगता है कि ये जोड़ी फ्यूचर में काफी देखने को मिलेगी, क्योंकि इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है। शाहिद कपूर आपको देखेंगे पुराने अपने वही चॉकलेट बॉय वाले कैरेक्टर में। Will you marry me? Is that possible? इस मूवी की जो कास्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है। इस मूवी में और भी अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे कि आप लोगों के फेवरेट पुराने चॉकलेट बॉय धर्मेंद्र जी, डिम्पल कपाड़िया और भी वेल नोन एक्टर्स इस मूवी में आपको देखने को मिल जाएंगे। वेल, इस मूवी में शाहिद कपूर और कीर्ति सैनन की लव स्टोरी को दिखाया गया है, लेकिन ये लव स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। अब इस लव स्टोरी में डिफरेंट क्या है? एक्चुअली डिफरेंट लव स्टोरी में नहीं है, डिफरेंट है कीर्ति सैनन। थोड़ा शॉकिंग है ना। एक्चुअली क्या है कि शाहिद कपूर जिसको प्यार करते हैं वो एक रोबोट है। मतलब इस मूवी में कीर्ति सैनन ने एक रोबोट का रोल प्ले करा है। रोबोट होना बुरी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। सिफ्रा? सुनने में इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लग रहा है, और जो इस मूवी का 3 मिनट का ट्रेलर है उसमें जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है, और वो देखने में काफी अच्छी लग रही है। वेल, अब ये देखना है कि एक्चुअल में लव स्टोरी कैसी है और हम लोगों को कितने इम्प्रेस कर पाती है। और उसके लिए मैं ज़्यादा वेट भी नहीं करना, क्योंकि ये मूवी रिलीज़ हो रही है जल्द ही वैलेंटाइन वीक में, मतलब 9 फरवरी 2024 में। तो जब तक मूवी आती है तब तक आप इस मूवी के ट्रेलर को और मेरी वीडियो को इन्जॉय करो, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।